गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगी। हमने पिछले वीडियो में बात की थी त्रिकोणमिति की तीन चैप्टर की, तो तीनों चैप्टर इस प्रकार में कंप्लीट हो गए थे। आज मैं आपके सामने एक और नए अध्याय के साथ, नए चैप्टर के साथ उपस्थित हुआ हूँ। अध्याय है हमारा नवा अध्याय, निर्देशांक ज्यामिति। नवा अध्याय है निर्देशांक ज्यामिति। इस अध्याय में से एक प्रश्न आता है 6 अंक का, बड़ा प्रश्न आता है 6 अंक का, तो ये अध्याय अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना बिल्कुल सरल भी है। तो देखिए, अब अपन इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे, इसके अंदर कैसे प्रश्न बनता है, कौन कौन से सूत्र काम आएंगे। तो पहले समझना है कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है। निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामिति में बीजगणित का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहेंगे हम? निर्देशांक ज्यामिति। गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामिति में बीजगणित का उपयोग किया जाता है। अर्थात अपने को यह समझना है कि रेखा गणित प्लस बीजगणित, रेखा गणित प्लस बीजगणित, यही क्या निरूपित करती है निर्देशांक ज्यामिति को। कि रेखा गणित में यदि बीजगणित का उपयोग है तो अपन उसे क्या समझेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति। होता क्या है निर्देशांक ज्यामिति में कि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें, दो रेखाएं आपस में कोई भी प्रतिच्छेद करे, लेकिन शर्त यह है कि दोनों एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? लंबवत। दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करे और दोनों रेखाएं आपस में क्या होनी चाहिए? लंबवत। अब वो रेखाएं कौन सी होगी तो उनके बारे में देखेंगे कि जो दो रेखाएं लंबवत होगी उन्हें हम निर्देशांक अक्ष कहते हैं। एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष। एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष। जैसे मान लिया कि ये दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये होता है इसका एक्स अक्ष और ये होता है इसका वाई अक्ष। इसे अपन नाम देंगे एक्स डैश, इसे अपन नाम देंगे वाई डैश। ध्यान दीजिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, जहां पर कटते हैं, उसे कहते हैं अपन मूल बिंदु। उसे कहा जाता है विद्यार्थियों हमारा मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 कैसे हुआ कि किसी भी चीज की शुरुआत कहां से होती है? हमेशा 0 से होती है। शुरुआत कहां से होती है? 0 से। तो इसलिए अपने को याद रखना है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 और 0। अब देखिए इधर कि निर्देशांक कैसे लिखे जाते हैं किसी बिंदु के, तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखते समय, जैसे मेरे को बोल दिया कि ए बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे कि 3 और 4 है, तो अपन लिखेंगे 3.4। कोष्ठक लिखना छोटे में 3.4। ए एक्स और वाई,
आगे लिखना हमेशा x का और बाद में लिखना है y का। याद कैसे रखना है, पहले क्या आता x और बाद में क्या आता y, तो पहले किसका निर्देशांक लिखा जाएगा x का और बाद में किसका लिखा जाएगा y का। चाहे प्लस हो माइनस हो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को ध्यान रखना है आगे हमेशा x अक्ष का निर्देशांक लिखा जाता है और बाद में y अक्ष का निर्देशांक। अब देखना है तो यहां पर x का मान भी क्या होता है, जीरो होता है, y का मान भी क्या होता है, जीरो। इसलिए मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, जीरो और जीरो। यहां तक क्लियर है? अब देखो जल्दी, ये एक x अक्ष, इसके दो और नाम है, इसको भुज कहा जाता है, इसको क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा भी कहा जाता है। भुज कहा जाता है और क्षैतिज रेखा कहा जाता है। y अक्ष को, इसके भी दो नाम है, इसे कहा जाता है कोटि और ऊर्ध्वाधर रेखा, कोटि और ऊर्ध्वाधर रेखा। y अक्ष को कोटि ऊर्ध्वाधर रेखा, x अक्ष को भुज और क्षैतिज रेखा। इधर होता है x होता है वो किसका होता है, माइनस का। इधर होता है x वो किसका होता है, प्लस का। y ऊपर की साइड होता है प्लस का, और अगर नीचे की साइड आएंगे तो हो जाएगा माइनस का। तो शुरुआत कैसे करेंगे, जीरो। इधर बढ़ेंगे एक दो तीन चार, ऐसे प्लस में बढ़ेगा। इधर माइनस एक माइनस दो माइनस तीन, ऐसे घटेगा। ऊपर जाएंगे तो y अक्ष पर प्लस का एक दो तीन चार, नीचे आएंगे तो माइनस का y में एक दो तीन चार। ये अपने चौथा अध्याय है, चैप्टर है, दो तरह वाले रैखिक समीकरण, उसमें भी काम आएगा। तो इसको आप अच्छे से समझना, ये बिल्कुल लाइफ टाइम काम की चीज है। देखिए अब इसके अंदर अपन बात करेंगे चतुर्थांश की, इसकी बात करेंगे अपन, बात करेंगे चतुर्थांश की। चतुर्थांश मतलब ये हुआ कि चतुर का मतलब चार होता है, अंश का मतलब क्या होता है, भाग, चौथा भाग। तो इसमें कुल भाग कितने हैं, चार भाग है। कुल कितने भाग हैं, चार हैं। तो n चतुर्थांश भी कितने होंगे, कुल चार चतुर्थांश होंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। याद रखना पहला यही होगा, ऐसा नहीं पहला इसको दे दिया दूसरा इसको दे दिया, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। अब देखिए इधर देखेंगे अपन, ये प्लस है, इधर भी एक्स भी किसका है, प्लस का। मतलब ये हुआ कि पहले चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस प्लस, एक्स भी प्लस का वाई भी प्लस का। दूसरे चतुर्थांश में देखेंगे एक्स किसका है, माइनस का, वाई किसका है, प्लस का। तो यहां पर लिखेंगे माइनस प्लस। अच्छा यहां प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आगे हमेशा निर्देशांक किसके लिखे जाते हैं, एक्स के। तो माइनस और प्लस, ये एक्स माइनस का वाई प्लस का। तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो एक्स भी माइनस का वाई भी माइनस का, मतलब माइनस और माइनस। चौथे चतुर्थांश की बात करें तो एक्स प्लस का है वाई माइनस का, प्लस और माइनस। समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक? आगे बात करते हैं। तो पहली बात अपन ने क्या लिखी थी, क्या याद रखनी है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहता है, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, जीरो जीरो। चतुर्थांश कितने होते हैं, कुल चार, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। एक्स अक्ष भुज क्षैतिज रेखा, वाई अक्ष कोटि ऊर्ध्वाधर रेखा। यहां तक क्लियर है? अब अपने को देखना है कि जो यह x अक्ष है पूरा, इस पूरे x अक्ष पर y का मान हमेशा क्या होगा, जीरो। इसलिए इस
लाइन पर कोई बिंदु है उसके निर्देशांक अपन क्या लिखेंगे, एक्स और जीरो। ये जीरो क्यों लिखा, क्योंकि यहां इस लाइन पर वाई का मान क्या होगा, जीरो। कैसे, वाई ऊपर एक दिख जाओ नीचे माइनस हो जाएगा, तो इस लाइन पर क्या रहेगा, क्योंकि यहां पे क्या था जीरो है, तो इस पूरी लाइन पर वाई का मान क्या होगा, जीरो। एक्स अक्ष पर वाई क्या होता है, जीरो। अब यदि वाई अक्ष की बात करें तो इस पर निर्देशांक कोई बिंदु के होंगे तो जीरो और क्या होंगे, वाई। क्यों, इस लाइन पर, इस पूरी लाइन पर एक्स का मान क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहां पे एक्स क्या है, जीरो है, तो पूरी लाइन पर भी एक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो इस लाइन पर कोई बिंदु है, वाई एक्स पर कोई बिंदु के निर्देशांक बोलेंगे तो जीरो और क्या होगा, वाई। वाई क्यों लिखा, वाई कोई भी मान हो सकता है, एक दो तीन चार, माइनस एक दो तीन चार। यहां पे वाई जीरो है, एक्स क्यों लिखा, एक्स का मान कोई भी हो सकता है, प्लस और माइनस। तो ये भी बात है, ध्यान रखनी है अपने को। अब बात आती है कि जैसे मैंने बिंदु दे दिया कि कोई एक बिंदु है ए जिसके निर्देशांक है दो और तीन, कौन से चतुर्थांश में आएगा। तो देखिए यदि सीधा चतुर्थांश पूछे, दर्शना नहीं है, तो केवल अपने को चिन्ह ही देखने, एक्स भी प्लस का है, वाई भी प्लस का है, प्लस प्लस कौन से चतुर्थांश में था पहले में, मतलब ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में आएगा, पहले चतुर्थांश में, ठीक है। जैसे कोई दूसरा बिंदु ले लिया माइनस तीन और चार, माइनस तीन और चार, एक्स किसका है, माइनस का है, वाई किसका है, प्लस का, तो माइनस और प्लस कौन से चतुर्थांश में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। बात करते हैं अपन, कोई सी बिंदु है जिसके निर्देशांक माइनस दो माइनस एक है, माइनस दो और माइनस एक है, ये कौन से चतुर्थांश में होगा, तो ये होगा x भी माइनस का, y भी माइनस का, तो कौन से होगा, तृतीय चतुर्थांश। बात करते हैं यदि कोई d बिंदु है जिसके निर्देशांक है चार और माइनस दो, तो ये है x प्लस का और y है माइनस का, तो प्लस और माइनस कौन सा चतुर्थांश होगा, चौथा। यदि अपन बात करें एक और बिंदु लेते हैं कि जीरो और चार, अब यहां देखिए एक्स क्या है, यहां पे जीरो है, वाई का मान कितना है, चार, मतलब कौन से एक्स पर होगा, एक्स एक्स पे होगा, वाई एक्स पे होगा, एक्स का मान है चार, वाई का मान जीरो है, तो कौन से एक्स पे आएगा, वाई पर, क्योंकि एक्स तो जीरो है, तो एक्स एक्स को देखना ही नहीं, केवल किसको देखना है, वाई एक्स, तो ये वाई एक्स होगा, ठीक विद्यार्थी। यदि बात करें अपन एक और बिंदु की, चार और जीरो दिया हुआ है, चार और जीरो, तो चार और जीरो कौन से एक्स पे आएगा विद्यार्थियों, हमारा आएगा एक्स अक्ष पे। एक्स अक्ष पे कैसे, एक्स का मान अपने को दिया हुआ है कितना है, चार, वाई कितना है, जीरो, मतलब वाई अक्ष को देखना भी नहीं है, एक्स अक्ष की लाइन पर आएगा। ये सभी बिंदु क्लियर हो गए, कोई डाउट नहीं इसमें, बिल्कुल सिंपल है, आपको अच्छे तरीके समझना है, ये दो यूनिट में काम आने वाला है, नवा चैप्टर और एक चौथा चैप्टर। अब अपन बात करें यदि कि किसी भी बिंदु की दूरी कैसे ज्ञात करनी है, देखिए इधर सबसे पहला और अच्छा एक सरल सा सूत्र है जिसे अपन कहते हैं बिंदु ए एक्स वन और वाई वन तथा बी एक्स टू और वाई टू के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। एक तरह से अपन को सीधा याद रखना है कि दूरी सूत्र, दो बिंदु दिए हुए, एक है ए हमारा और दूसरा हमारा है बी,
एक्स वन और वाई वन, एक्स टू और वाई टू। वन और टू क्यों लिखा? क्योंकि बिंदु कितने हैं? दो है, इसलिए अपन ने इसको मान लिया एक्स वन वाई वन, एक्स टू और वाई टू। बिल्कुल सिंपल है दूरी सूत्र ज्ञात करने का, तो अपन यहां दूरी सूत्र लिखेंगे ए बी बराबर वर्गमूल एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। अच्छा, प्रश्न कैसे आएगा? जैसे कि कोई भी प्रश्न दे दिया आपने को, याद रखना सूत्र पहलेगा कि सूत्र क्या होता है। एक्स वाले मैंने क्या लिखा था? भुज, और वाई वाले कोटि। तो भुज के निर्देशांकों का अंतर और कोटि के निर्देशांकों का अंतर का वर्ग, सीधा याद रखना है एक्स टू माइनस एक्स वन और वाई टू माइनस वाई वन। जैसे निर्देशांक दे दिए कि चार तीन व तीन सात बिंदुओं के, तीन सात बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो, दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसा ही प्रश्न आएगा, बिंदु अपन मान ले बने ए बी, सीधा भी आ सकता है, तो अपने को याद क्या रखना है? जैसे ए अपने को दिया हुआ है चार व तीन और बी अपने को दे रखा है तीन और सात। दूरी कैसे ज्ञात करनी है विद्यार्थियों? यहां से एक्स वन कितना है? चार। वाई वन कितना है? तीन। एक्स टू कितना है? तीन। और वाई टू कितना है? सात। एक्स वन चार, वाई वन तीन, एक्स टू तीन, वाई टू सात। कहां से है? ये एक्स वन, ये वाई वन, ये एक्स टू और ये वाई टू। ये भी ध्यान रखना कि इसको अपन एक्स वन वाई वन लिख दें, इसको एक्स टू वाई टू लिख दें, उत्तर का कोई फर्क नहीं पड़ना है। ध्यान ये रखना है कि जिसको एक्स वन माना है उसके साथ वाले को क्या मानना है? वाई वन। जिसको एक्स टू माना है उसके साथ वाले को क्या मानना है? वाई टू। ऐसा नहीं हो कि इसको अपन एक्स टू मान लिया और इसको अपन मान लिया वाई टू, यहां गलती नहीं करनी है। बाकी एक्स वन वाई वन इसको मान लिया तो एक्स टू वाई टू इसको भी मान लोगे, उत्तर के मान में कोई चेंज नहीं होगा। तो अपन सूत्र लगाते हैं ए बी बराबर क्या होगा? वर्गमूल एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। एक्स टू कितना है विद्यार्थियों? तीन। माइनस एक्स वन कितना है? चार का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन हो जाएगा सात माइनस तीन का होल स्क्वायर बराबर वर्गमूल तीन में से चार गया माइनस एक का वर्ग, सात में से तीन गया चार का वर्ग। ध्यान दीजिए माइनस एक का वर्ग क्या होता है? प्लस का एक होता है। क्या होता है? प्लस का एक। कि माइनस की संख्या दे रखी है उसकी पावर यदि सम होती है उसका मान आता है धनात्मक, यदि उसकी पावर विषम होती है उसका मान आता है ऋणात्मक। जैसे मैंने लिख दिया माइनस एक की पावर पांच, माइनस एक की पावर सम है विषम है? विषम है, मतलब इसका मान क्या आएगा? ऋणात्मक। यदि मैं लिखूंगा माइनस ए की पावर छह, अब छह सम है विषम है? सम है, इसलिए इसका मान आएगा धनात्मक। ध्यान रखना विद्यार्थियों माइनस को कितनी बार गुणा करना पड़ेगा? माइनस एक को पांच बार। माइनस एक को पांच बार गुणा करेंगे तो दो दो के जोड़े बन जाएंगे, लेकिन एक माइनस बच जाएगा वो यहां आता है। क्योंकि माइनस का गुणा करूंगा मैं प्लस से तो उत्तर क्या आएगा? माइनस। मैं प्लस का गुणा
गुणा करूंगा माइनस से तो भी उत्तर क्या आएगा माइनस, लेकिन मैं माइनस का गुणा माइनस से करूं उत्तर क्या आएगा प्लस, और प्लस का गुणा यदि अपन प्लस से करें तो भी क्या आएगा प्लस। ये भी याद रखना, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की चीजें हैं। तो चार का वर्ग कितना होता है विद्यार्थियों 16, देखो 16 और 1 कितना होगा 17, उत्तर कितना आया वर्गमूल 17 इकाई, वर्गमूल 17 इकाई। यदि वर्गमूल सरल होता है तो आगे करना है, नहीं तो हमारा ये उत्तर 17 एक पूर्ण वर्ग संख्या है।